नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, तो वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। एनीवेज, आप सभी मुझे कमेंट्स में लिखकर ये बताना कि आप मुझे किस स्टेट से देख रहे हैं, किस गांव शहर से देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। तो आज बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ मैं लेकर आई हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले ना, यहाँ पर मैं आपके साथ बढ़िया से पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से पिज़्ज़ा बेस आप घर में बना सकते हैं, तवे पर पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को ना बाहर का खाना बड़ा पसंद आता है, तो उन्हें गर्मी बनाकर दीजिए जो भी वो खाना चाहते हैं। बाजार से कुछ ना लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मैंने ली है 300 ग्राम मैदा। यहाँ पर इसमें डाला है मैंने एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा और एक टेबल स्पून चीनी और आधा कटोरी दही और दो टेबल स्पून तेल। सारी चीज़ों को मैदा में हम अच्छे से मिला देंगे पहले, उसके बाद नॉर्मल पानी से इसका डो बना लेंगे। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ठंडी है तो गुनगुने पानी से डो बनाइएगा। वैसे तो ये डो ईस्ट से बनता है, लेकिन हर किसी के पास ईस्ट नहीं होता है, प्लस हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो आज हम बेकिंग पाउडर और मीठे सोडे से ये डो बनाएंगे। मल्टीपर्पज़ डो है ये, इससे कई सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, जैसे कि नान, गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा, भटूरे भी बनते हैं, लेकिन उस केस में आपको इसमें मिलाना पड़ेगा 100 ग्राम सूजी भी। तो हम यहाँ पर बनाएंगे आज घर में पिज़्ज़ा एकदम डोमिनोज स्टाइल, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया। तो ये डो बना लिया है मैंने, हल्का सा तेल घी लगाकर इसको रेस्टिंग पर रखेंगे 1.5 घंटा। अगर ठंडी वाले एरिया में आप ये रेसिपी फॉलो करते हैं तो गर्म जगह पे से रखना, और आजकल तो गर्मी है तो किचन में कहीं भी से रखेंगे। तो डो बना दिया मैंने, अब मैं सब्जी काट रही हूँ। तो इसमें बेसिक सब्जी मैं ऐड करूँगी जो हर जगह मिल जाती है, ओलिव या फिर कई तरह की टॉपिंग ऐसी होती है, कुछ लोग मशरूम भी डालते हैं, वो सब मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, प्लस मेरे पास है भी नहीं मशरूम। तो हम बिल्कुल नहीं खाते, मैंने अपनी लाइफ में आज तक मशरूम नहीं खाया है क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं और मुझे मशरूम को देख के एक अजीब सी ना फीलिंग आती है, नॉन वेज टाइप मुझे वो लगता है, तो वो मैं नहीं बना सकती। और जो लोग यूपी से है ना, मेरठ साइड से स्पेशली, उनको पता होगा कि जब हम लोग छोटे थे ना और बारिश में बिटोड़ा होता है, एक बिटोड़ा, कुछ लोग को पक्का पता होगा बिटोड़ा क्या होता है। तो बिटोड़े के पास ना बारिश में बहुत सारी ये मशरूम निकलती थी और हम लोग इन्हें बोलते थे सांप की छतरी। तो सांप की छतरी किस किस को पता है वो भी मुझे बताना। और मतलब बच्चे थे, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज तो होता नहीं है, तो हम लोग ऐसे बोलते थे सांप की छतरी है ये और इसमें सांप रहते हैं। हालांकि ऐसे होता नहीं था, सांप हम तोड़ के उनको खेलते थे, उनसे फेंकते थे। पर मैंने लाइफ में पहली बार मेरी शादी के बाद मशरूम को सब्जी की तरह यूज़ करते हुए देखा है, मुझे नहीं पता था कि इसकी सब्जी भी बनती है। तो मैंने सब्जियां कट कर ली है और ये है चीज़। हर जगह चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, तो बिना चीज़ के भी पिज़्ज़ा बनता है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। लॉकडाउन में वो रेसिपी वायरल हुआ था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था क्योंकि हर जगह सब कुछ बंद था और घर में क्रेविंग हो रखी थी कि भाई हमें ये सब खाना है। तो जुगाड़ लगाकर मैंने वो रेसिपी बनाई थी जो कि वायरल हुआ था। अगर आपके आसपास चीज़ नहीं है तो आप वो वीडियो देखकर भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पर मैंने 2 टाइप का चीज़ लिया है। वैसे तो पिज़्ज़ा का चीज़ अलग होता है, अलग से मिल जाएगा आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर, रिलायंस वगैरह में। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो बेसिक चीज़ जो होता है ना, प्रोसेस चीज़, वो अगर मिलता है तो भी पिज़्ज़ा बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये मोजरेला चीज़ मिलता है आसपास, तो कुछ लोग डायरेक्टली इसे डाल देते हैं पिज़्ज़ा पर, वो नहीं करना है, उससे ये चुई बनता है पिज़्ज़ा। तो ये मोजरेला पैकेट जो आप देख रहे थे साइड में पड़ा हुआ, ये मैंने घिसा है 100 ग्राम, और 100 ग्राम मैंने प्रोसेस चीज़ घिस लिया, दोनों को मिक्स कर लिया और इससे बहुत गजब का पिज़्ज़ा बनता है। और मैंने मेयोनीज ले ली है, बटर ले लिया है, थोड़ी मैंने सब्जी वब्जी काट ली है। और अब देखिए यहाँ पर ये आटा अच्छे से फूल चुका है, ये देखिए। आपको इससे भटूरे बनाने हैं तो आप अभी इससे भटूरे बना सकते हैं, आपको कुलचे बनाने हैं कुलचे बना सकते हैं, नान बनानी है हमें नान बना सकते हैं, और जैसे कि मैं पिज्जा बनाऊंगी पिज्जा बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। मल्टीपर्पज है ये डो, बहुत ही बढ़िया, इवन इससे पाव भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए अभी क्या करेंगे, इसको ना एक बार और थोड़ा सा नीट कर लेंगे। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली आई है, आपको दिख रही होगी, तो देख रहे हैं एकदम जाली बढ़िया आई है इसमें। तो ईस्ट की जरूरत नहीं है, बिना ईस्ट के भी सारा काम हो जाएगा। और गर्मी बहुत हो रखी है, आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए,
पानी पिए, जूस पिए, फ्रेश फ्रूट खाएं, और किसी का जरूरत है तो प्लीज उन्हें पानी जरूर पिलाएं। जैसे आपकी बालकनी में चिड़िया कबों के लिए पानी रखे, डॉग स्ट्रीट पे डॉग हैं तो वहां पर उन्हें पानी पिलाएं, बहुत बड़ा पुण्य होता है पानी पिलाना। और इतनी वो ज्यादा गर्मी है तो 1.5 घंटे में आपका डो एकदम बढ़िया हो जाएगा। अगर आप इससे बना रहे हैं तो 1 घंटा तो उसमें भी रेस्टिंग लगती है, लेकिन जरूरत बिल्कुल नहीं है। सारे काम मीठे सोडे बेकिंग पाउडर से हो जाते हैं, लेकिन इस केस में आपको दही चीनी इसमें मिलाना पड़ेगा। और 2 तरीके के तवे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्लैट तवा हमें चाहिए पिज्जा बनाने के लिए। देखिए फ्लैट तवा, और जो डो था हमारा उसमें से मैंने 3 बड़े साइज के बॉल निकाल लिए हैं, तो कुल मिलाकर 3 पिज्जा बनेंगे मेरे तकरीबन 9 इंची के। तो जितना बड़ा आपका तवा है या कोई ट्रे है, अगर आप अवन में बनाना चाहती हैं तो इस तरीके से सूखा मैदा छिड़क कर इसे फैला लीजिएगा। देखिए एक बाउंड्री सी बनानी है आपको, और ये बेस भी आप बनाकर रख सकते हैं घर में। जैसे बेस बना लिया आपने, आप इसे फ्रीजर में स्टोर कर दें। जब मैं लॉकडाउन में घर से ऑर्डर बना रही थी, मैंने एक एक दिन में 30-30, 40-40 पिज्जा डिलीवर करे थे, और 250 रुपीज की कॉस्टिंग थी। आप देखिए लॉकडाउन कब था, और अंदर में मैं रहती थी डिफेंस एरिया में, तो वहां से जो इन लिविंग ऑफिसर्स वगैरह थे उनको क्रेविंग होती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, वो अलग रहते हैं, घर का खाना वो बहुत मिस करते थे। तब मैं ये सारे रेसिपीज बनाती थी, 15 से 20 पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, गोल गप्पे, सब कुछ मैं उनको बना बना कर देती थी। और उस टाइम पर मेरी ये रेसिपीज बहुत काम आती थी, क्योंकि कई बार चीज़ नहीं होता था तो बिना चीज़ के भी मैंने बनाया है, एटलीस्ट लोगों की क्रेविंग तो खत्म हो। तो ये बेस मैं बना के रख लेती थी पहले ही, तो काफ़ी हेल्प फिर मुझे मिलता था। तो देखिए मैंने अच्छे से बेस को बड़ा किया और एक फोर्क से प्रिक कर लिया। प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये फूल जाएगा, हमें फुलाना नहीं है इसे। फिर बेस के ऊपर लगाएंगे हम बटर, फिर पिज़्ज़ा सॉस। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आपके पास तो नॉर्मल टमाटो केचप ले लेना, उसमें थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ी चिली फ्लेक्स डालकर, ओरिगैनो वगैरह अगर है, पिज़्ज़ा सीजनिंग है, मिक्स करके अच्छे से वो सॉस लगा देना। फिर आप इस पे डालना ढेर सारी सब्जी अपने हिसाब से जो भी खाते हैं। मेरे पास तंदूरी मेयोनीज था, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, तो मैंने उसमें थोड़ा पनीर मिलाकर अच्छे से वो भी डाल दिया। थोड़ा मखनी टाइप पनीर हो गया ये, बड़ा अच्छा स्वाद आता है। फिर ऊपर से चिली फ्लेक्स, चीज़, जैसे भी आपको पसंद हो, कम ज़्यादा उस हिसाब से डालें। और तवे पर एकदम लो फ्लेम पर इसे सेकेंगे हम, एकदम लो फ्लेम पे। और ये देखिए 8 मिनट लगे हैं, सिर्फ 8 से 9 मिनट लगेंगे, एकदम धीमी धीमी आँच पर। अब मैं आपको इसे काट के दिखाऊंगी कितना स्वाद पिज्ज़ा बना है। ये कढ़ाई में बना सकते हैं आप, इसे तवे पे बना सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे बना सकते हैं। देखिए कितना अमेजिंग, एकदम फ्लफी, नीचे से बेस एकदम परफेक्ट, बहुत ही शानदार बना है। तो ये तो बन गया है मेरा तवे पर। अब मैं ओटीजी में भी पिज्जा बनाऊंगी। मैं फर्स्ट टाइम ओटीजी में पिज्जा ट्राई कर रही हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम तवे पर ही बनाती हूँ। मैंने लॉकडाउन में भी सारे पिज्जा तवे पर ही बनाकर डिलीवर किए थे। 3-3 पिज्जा मैं एक साथ बनाती थी, क्योंकि मेरा चूल्हा 3-3 वाला है, आपने देखा ही है। बहुत बढ़िया पिज्जा बनते थे, कभी कोई शिकायत नहीं आई, सब लोग बड़े खुश होते थे और बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते थे वो, कि मैडम आपकी वजह से एटलीस्ट हम वो खा पा रहे हैं जिसकी क्रेविंग हमें हो रही है। बच्चे हैं ग्रोइंग एज के, तो उनकी काफी इच्छाएं हो जाती हैं। तो ऐसे मैंने काम चलाया था लॉकडाउन में। तो इस तरीके से देखिए बेस कैसे बना के आप रख सकते हैं। आपको सिंपली एक बेस बनाना है बिल्कुल जैसे मैंने बताया, फिर पिक करना है और हाई फ्लेम पर इसको आपको 40 सेकंड एक तरफ से सेकना है और 40 सेकंड दूसरी तरफ से सेक कर आपको इसे निकाल लेना है। और इस तरीके से बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा, आप इन्हें किसी एयर टाइट बैग में डालकर, जिप पाउच जो होते हैं, आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, तो आपके ये बेस तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने पिज्जा बेस लिया, बटर लगाया, सॉस लगा ली मैंने, और ये ढेर सारी सब्जी, आप अपनी चॉइस की सब्जी रखें इस पे। और जहाँ मैं पहले रहती थी गुजरात में, मेरे पास बेजल प्लांट भी था, बड़े अच्छे फ्रेश बेजल के पत्ते भी मैं इस पे डालती थी, तो उससे भी बड़ा अच्छा स्वाद आता था। ये मैंने बनाया ओटीजी में, बहुत अच्छा बनाया ओटीजी में। बस ये फर्क आता है कि ऊपर से चीज़ भी ब्राउन हो जाती है, जो कि नॉर्मली पैन या कढ़ाई में नहीं होती, बस ये ही डिफरेंस है। बाकी टेस्ट एकदम बढ़िया आता है दोनों में, टेस्ट में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत अमेजिंग बनता है। तो पिज्ज़ा बना लिया है मैंने, और अब मैं आपके साथ
शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों की बहुत ही फेवरेट ड्रिंक, जो कि बहुत हेल्दी होती है, साथ साथ टेस्टी होती है। गर्मियों में हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो कुछ ऐसा ड्रिंक अगर घर में हम बना ले जो कि स्टोरेबल भी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैं आम पन्ना बनाने जा रही हूँ, और ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आप 100% ट्राई करना। मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गेहूं के आटे का डो भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। जो लोग हेल्दी वर्जन में पिज़्ज़ा खाते हैं ना, वो मुझसे गेहूं के आटे का भी बनवाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी मिलती हैं मुझे जो सिर्फ व्हीट फ्लावर का बनवाती हैं, कुछ कुछ मिक्स बनवाते हैं और कुछ कुछ नॉर्मली मैदे वाला बनवाते हैं। पर मैं फिर भी आपको ये कहूंगी कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी है तो कभी कभी ना मैदा वगैरह खाया कीजिए। ऐसे खाते रहते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर हम सब कुछ त्याग देंगे ना तो ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है फिर। तो ऐसा ना करें, डेली रूटीन में नहीं, कभी कभी कुछ कुछ चीजें आप खाते रहिएगा तो फिर तकलीफ नहीं होती है। तो आम पन्ना बनाने के लिए मैंने लिए थे 1 किलो आम। इनको मैंने अच्छे से उबाल लिया था छिलका निकाल कर। दरअसल मैं आम लाई थी खाने के लिए खट्टा मीठा, लेकिन जब मैंने शाम को काटा तो बिल्कुल खट्टा था, ये नहीं खाया गया। तो फिर मैंने छिलका निकाल कर इसको कुकर में डाल के उबाल लिया। बड़े साइज के 2 आम थे जो तकरीबन 1.5 किलो के थे, काफी बड़े बड़े। तो फिर मैंने आम उबाला, 2 सीटी में आम उबल गया। इसको मैंने मिक्सी के जार में डाला और तकरीबन मैंने 150 ग्राम इसमें डाला है पुदीना। फिर मैंने डाला इसमें 2 टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाला जरूर डालना है, काला नमक 2 छोटे चम्मच, और खूब सारी चीनी या फिर गुड़ कुछ भी आप डाल सकते हैं, और रेगुलर नमक, और भुना हुआ जीरा जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक होती है, समर स्पेशल है ये, बच्चों को बड़ों को लू लगने से बचाता है ये, काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं आम पन्ना के, और ये बहुत बढ़िया ड्रिंक बनती है। इससे रिफ्रेशिंग कुछ नहीं हो सकता, हमेशा हमें सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, उनके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। सारी चीजें डालकर मिक्सी के जार में डालिए और इसे अच्छे से पीस लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। गाढ़ा हो जाएगा ये तो थोड़ा थोड़ा पानी लगेगा इसमें, आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ स्टोरेबल पर्पस से कि कैसे आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर डाला है, तकरीबन आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच करके उसे पीस लिया है। सारा मेरा एक बार ही इसमें मिक्सी के जार में आ गया था, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर। तो स्टोरेबल कैसे आप इसे रख सकते हैं, देखिए अभी जो पल्प बना है ना हमारा, आप इसको एज इट इज स्टोर कर सकते हैं आइस ट्रे में भर के। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपका आम पन्ना पीने का मन हो, नॉर्मल पानी लें, उसमें 2 से 3 क्यूब डालें और फटाफट मिक्स करके आप किसी को भी सर्व करें, खुद भी पिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। मैं ऐसे अपने घर में आम पन्ना को स्टोर करती हूँ। और अगर आपको फ्रेश बनाना है तो कैसे बनाना है, 2 से 3 चम्मच लेना है आपको आम पन्ना, और नॉर्मल पानी में मिक्स करके फटाफट पीजिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी टेस्टी ड्रिंक बनती है ये, और खासकर बच्चों को बहुत पसंद आती है। बिना बताए बच्चे पी लेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। आप भी ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आपको आएगी। और आम को चूल्हे पर भूनकर भी कुछ लोग बनाते हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता। आजकल चूल्हे वाला सिस्टम है भी नहीं, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो गैस पर भूनकर भी बना सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बनाना बहुत ही शानदार बनता है, और मैंने इसे कर दिया फ्रिज में स्टोर। तो ये मेरा बन गया आम पन्ना। अब सबसे बढ़िया ट्रिक आज की, आपने शुरुआत में देखा था कि मैं कुछ बोरे काट रही थी, काफी स्ट्रगल और ढूंढने के बाद मुझे फाइनली बोरा मिल गया विशाखापट्टनम में सब्जी वालों के पास। हस्बैंड को 2 दिन भगाया मैंने कि भाई जाओ ढूंढ कर लाओ, मुझे नहीं पता, मेरी बहुत अच्छा एक तरीका है जो पेंडिंग चल रहा है काफी दिनों से। मैं ये आपके साथ कंटेंट शेयर करने की कोशिश कर रही थी कि आपको भी थोड़ा हेल्प मिले। हर घर में फ्रिज होता है, लेकिन फ्रिज का पानी पीना बहुत ज्यादा हानिकारक है। कुछ लेडीज या बहुत सारे लोगों का हम देखते स्टमक बहुत निकलता है, तो कहीं ना कहीं ठंडा पानी भी असर करता है। तो मैं मेरे घर में प्रेफर करती हूँ समर्स में स्पेशली कि हम कभी फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन समर में मैं ये सोचती हूँ कि हम मटके का पानी पिए। और ये जो मटका आप देख रहे थे, ये मैं लेकर आई थी हरियाणा सोनीपत से, मेरे हस्बैंड के मामा जी वहाँ रहते हैं, मैं वहाँ गई थी। तो जब मैंने मौसी जी के यहाँ लैंड किया तो उन्होंने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मटके का पानी था, और इतना ठंडा था वो कि मुझे ये कहना पड़ गया कि वाओ इतना ठंडा पानी और स्वाद एकदम अलग। तो भाभी ने मुझे बताया कि वो मटके से लेकर आई हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने इतना ठंडा पानी मटके का कभी नहीं पिया है।
तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक्स थी उनकी मटके को लेकर। आप मटका देख रहे हैं, ये हरियाणा की मिट्टी का मटका है। कहीं की भी मिट्टी का मटका आप ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मटका लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे नंबर वन बात जो उन्होंने मुझे बताई कि जब भी आप मटका खरीदते हैं, सर्दियों की मिट्टी वाला खरीदे, यानी जैसे कि फरवरी के महीने में आप मटका खरीद लें, दिसंबर के महीने में मटका खरीद लें, तो जो वो मिट्टी होती है ना सर्दियों वाली, उससे मटका का पानी हमेशा ठंडा रहता है, जिस मिट्टी से वो बनता है उससे ठंडा रहता है। तो एक ट्रिक तो उन्होंने मुझे ये बताई थी, तो मैंने तुरंत भाभी को बोला कि मुझे मटका चाहिए, वो मेरे लिए मटका लेकर आई, और ये मटका मेरे पास 6 महीने बाद आया था क्योंकि मैं फ्लाइट में इसको ला नहीं पाई थी। और उसके बाद उन्होंने दूसरी ट्रिक बताई थी मुझे कि इसको ऐसी जगह पर रखे घर में जहाँ पर डायरेक्ट हवा बहुत तेज आती हो। तो मैंने कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनसे पूछी थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मटका आपको थोड़ा रफ टाइप दिखे ना बाहर से, ज़्यादा फैंसी ना हो, वही मटका लेना है, सर्दियों की मिट्टी वाला मटका लेना है। पहले के टाइम में मटकों को जमीन में गाड़ के रखते थे, लेकिन आज हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो इसे ठंडा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा बालू रेत और इसमें डालना पड़ेगा थोड़ा पानी, और ये जो बोरा हमने लिया है इसको हम इसके ऊपर कर देंगे कवर, और इस रेत के ऊपर किसी भी बर्तन में आप रेत डाल सकते हैं। मेरे पास तो स्टैंड है ये मटके का, तो ये मटका मैं कर दूंगी प्लेस इस पे, और नीचे वाला एरिया मैंने कवर नहीं किया है तो ये कवर नहीं करना है, और मैंने अब रखा है इसे अपनी बालकनी में जहां पर खुली हवा आती हो। जब हम रेगुलर बेसिस पे मटके इस्तेमाल करने शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे पानी ठंडा नहीं करते हैं, उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी मटके को हाथ डालकर सफाई नहीं करते हैं, नारियल के ऊपर का जो वो होता है ना जुट्टी जैसा जो होता है नारियल के ऊपर का पार्ट, उससे इसकी सफाई करते हैं, हाथ नहीं डालना है। और हमेशा मटके को इस्तेमाल करने से पहले बाहर से अच्छे से घसीएगा, क्योंकि इनके पोर्स ना मटके में छेद होते हैं, नए मटके में जैसे हम पानी डालते हैं तो किस तरीके से एक आवाज आती है, तो ये पोर्स ना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं जब मटका पुराना हो जाता है, तो इसको आपको बाहर से घसना है। अंदर की सफाई के लिए थोड़ा सा रेत डालिए इसमें और अच्छे से घुमाइएगा, बहुत अच्छे से पानी डालकर घुमाइएगा, तो जो रेत है ना सारे इसके पोर्स खोल देगा और आपके मटके का पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मटके को भरने के बाद एक ऐसा चम्मच लेना है आपको, इसी से हमेशा पानी निकालना है, और एक बाल्टी से थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये जो बोरा है ये एकदम ठंडा हो जाए, और ये बोरे की ठंडक प्लस हवा का कॉन्टैक्ट और नीचे रेत का ठंडापन इस मटके के पानी को बहुत चिल्ड करेगा, एकदम ठंडा। हर दिन रात में सोने से पहले मटका भरना है और अगले दिन सुबह सुबह एकदम शीतल जल आपको मिलेगा पीने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखें, पुराने से पुराना मटका भी आपको एकदम ठंडा पानी देगा, एकदम अमृत समान पानी। तो मैं अपने घर में पूरी गर्मी इसी तरीके को फॉलो करती हूँ, और मेरे पापा भी गर्मियों में बिल्कुल ऐसे ही मटका तैयार करते थे। बचपन में मुझे याद है जब हम खेत में जाते थे ना, तो वहाँ पर गर्मियों में एक मटका हमेशा हमारे खेत में रहता था, मिट्टी खोद के उसमें रखते थे पापा, हर दिन पानी चेंज करना एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं लाइव, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मुझे पक्का बताना कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़।